गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, आई होप बच्चा आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। 12 तारीख को आप लोगों का साइंस का टेस्ट भी है, सभी बच्चे टेस्ट को अटेम्प्ट करें। जिन बच्चों ने वाइवा नहीं दिया है अपना वाइवा भी जल्दी से दे दे बेटा, ठीक है। चलो आज हम लोग 4th चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सॉरी कंटिन्यू करते हैं हम लोग। स्टार्ट तो हमने पहले ही कर चुके हैं ना, अब इसमें पढ़ेंगे शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, कि हम लोग मटेरियल्स को ग्रुप में कैसे डिवाइड करते हैं। जब से सबसे पहले हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट की ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज, जैसे हमने कोई फुटबॉल हो गई, कोई आपका स्केल हो गया, लार्जर और बिगर साइज के अकॉर्डिंग हमने सब्सटेंस को ग्रुप में डिवाइड किया था। फिर उसके बाद क्या किया था हमने, ऑब्जेक्ट को उनकी अपीयरेंस के बेसिस पे, कि वो वुड है, ऑब्जेक्ट आपका वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक या कॉटन है, उनके बेसिस पे हमने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया था। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ा था, जैसे हमने देखा था कि जो पीस ऑफ लिक्विड है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो अपने में से सब्सटेंस को, लिक्विड सब्सटेंस को पास होने देता है, तो हम उसको वाटर को स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से हमने फर्दर प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट्स की, और उसके बेसिस पर डिसाइड किया था कि किसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने ऑब्जेक्ट्स की अपीयरेंस के बारे में पढ़ा, कि ऑब्जेक्ट्स की अपीयरेंस कैसी होती है, जिससे हमें कंक्लूजन मिला था कि जितने भी मेटल होते हैं, ठीक है, मेटल सब्सटेंस होते हैं, वो कैसे होते हैं, लस्ट्रस मतलब चमकदार होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं आपके, डल होते हैं, वो शाइनिंग नहीं होते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हार्डनेस को, कि मटेरियल की हार्डनेस की प्रॉपर्टी क्या कहती है मटेरियल्स के बारे में, ओके। चलो पढ़ते हैं। व्हेन यू प्रेस different materials with your hands, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. अब ये क्या कह रहा है कि जब भी अपने हाथ से प्रेस करने की कोशिश करेंगे different materials को, तो उनमें से कुछ क्या हो जाएंगे आपके, मे बी हार्ड हो कंप्रेस होने के लिए, वो मतलब वो कंप्रेस्ड ना हो, लेकिन दूसरी तरफ कुछ आपके जो मटीरियल वो ईजिली कंप्रेस्ड हो जाए। विथ टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। अब ये क्या कह रहा है कि आप एक मेटल की लें, ठीक है, और उसके बाद ट्राई करें उससे चीज़ों को स्क्रैच करने की। स्क्रैच का मतलब होता है उनके सरफेस को कुरेदना एक तरह से। द सर्फेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, पीस ऑफ स्टोन, नेल, कैंडल, चौक एंड एनी अदर मटीरियल और ऑब्जेक्ट। अब ये आपको क्या कह रहा है कि जो आपने मेटल की ली है उससे किस किस का सरफेस स्क्रैच करें, वुड का, एल्यूमिनियम का, पीस ऑफ स्टोन, नेल, नेल किसको बोलते हैं, कील को बोलते हैं, कैंडल, चौक और एनी अदर मटेरियल्स ऑब्जेक्ट के सरफेस को स्क्रैच करें। अब ये क्या कह रहा है, यू कैन ईजली स्क्रैच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजिली। अभी आपको कह रहा है कि आप कुछ मटेरियल को तो ईजिली स्क्रैच कर जाओगे, लेकिन कुछ को आप ईजिली स्क्रैच्ड नहीं करोगे। मटेरियल विच कैन कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। वो मटेरियल्स जिन्हें हम स्क्रैच कर सकते हैं ईजिली, जिन्हें हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं ईजिली, वो कैसे मटेरियल होते हैं बेटा, वो हमारे सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस्ड आर कॉल्ड हार्ड। दूसरी तरफ ये कह रहा है वो मटेरियल जिनको कंप्रेस करने में हमें डिफ़िकल्टी हो, दिक्कत आई, या जिनको कंप्रेस करना ही डिफ़िकल्ट हो, वो कैसे मटेरियल होंगे, हमारे हार्ड मटेरियल होंगे, ठीक है। आगे एग्जांपल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल कॉटन स्पॉन्ज आर सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड, कि आपका कॉटन बात करें, अगर कॉटन की रुई की बात करें और स्पंज की बात करें, तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि हम ईजिली उनको कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक आयरन की रॉड लें और उसे कंप्रेस करना चाहें, तो वो क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, क्योंकि वो हार्ड है, ठीक है। इन अपीयरेंस मटीरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। अब ये क्या कह रहा है कि जब हम मटेरियल्स को देखें, तो मटेरियल्स की हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पता चलेगी उनको सिर्फ देखने से। जैसे कोई मटेरियल हमें चमकदार दिख सकता है, कोई हमें देखने में हार्ड कठोर दिख सकता है, कुछ हमें रफ दिखेंगे और कुछ हमें एकदम स्मूथ दिखने वाले हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स। अब ये क्या कह रहा है कि क्या आप कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोच सकते हैं जिससे, जिनको सिर्फ देखने से ही हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। अब आगे
नेक्स्ट जो टॉपिक है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, मतलब कि क्या कोई ऑब्जेक्ट घुल सकता है, या फिर इनसॉल्यूबल का मतलब जो घुल नहीं सकता। देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अब अपीयरेंस किसके बेसिस पे देखने वाले हैं, क्या क्या कोई ऑब्जेक्ट हमारा वाटर में सॉल्यूबल है या फिर सॉल्यूबल नहीं है। इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं हम लोग, एक्टिविटी 4, जो क्या कह रही है, कोलेक्ट सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, साल्ट, चॉक पाउडर, सैंड, सारडस्ट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, आपको कुछ कलेक्ट करो सैंपल को जो सॉलिड हो, जैसे आपकी चीनी हो गई, सॉल्ट हो गया, चॉक पाउडर हो गया, आपकी सैंड मतलब रेत हो गई, और सॉडस्ट हो गया। ठीक है, टेक 5 ग्लासेस, और अब ये क्या कह रहा है, 5 ग्लासेस को लें, और या फिर क्या ले सकते हैं आप ग्लासेस ना ले तो बीकर्स, आप बीकर्स भी ले सकते हैं। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। अब ये बीकर लिया जैसे हमने, ठीक है, इसके 2/3 पार्ट को आप लोग वाटर से फिल कर ले। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, साल्ट टू द सेकेंड, एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेज इन टू द अदर ग्लासेस। अब आपसे क्या कह रहा है कि फर्स्ट जो बीकर है या आपने जो ग्लास लिया है उसमें आप क्या ऐड करें, 1 स्पूनफुल, चम्मच भर के पूरी फुल चम्मच शुगर को ऐड करें। इसी तरह से दूसरी बीकर में आप चम्मच फुल चम्मच इसको ऐड करें, सॉल्ट को ऐड करें। इसी तरह से थर्ड, फोर्थ एंड और बीकर्स में आप लोग चॉक डस्ट को, सैंड को, सॉडस्ट को ऐड कर दें। ठीक है, स्टीर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। अब स्टीर का मतलब होता है कि हिलाना। अब एक स्पून को लें और पूरे के पूरे जो आपके वाटर में जो सब्सटेंस है उसको अच्छे से घुलाने की, मिलाने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे हम लोग जब सिकंजी बना रहे होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चीनी को पानी में घोलते हैं, फिर नमक को घोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस अलग अलग बीकर में करना है। ठीक है, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम तक वेट करें, ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंस ऐड टू वाटर। फिर उसके बाद देखें कि क्या हुआ उस सब्सटेंस का जिसको आपने वाटर में ऐड किया था। नोट योर ऑब्जर्वेशन शोइंग द टेबल, और आपकी ऑब्जर्वेशन को नीचे दी हुई टेबल में शो करें। अब सबसे पहले अगर हम सॉल्ट को मिक्स करेंगे वाटर में तो क्या होगा, वो कुछ टाइम के बाद उसको देखेंगे तो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। शुगर को जो वाटर में ऐड करेंगे तो वो भी कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम सैंड को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो वो स्टीर नहीं होगा, सॉरी नॉट डिसअपियर, वो डिसअपियर नहीं होगा, वो हमें फिर भी वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट चॉक पाउडर की बात करें तो ये भी डिसअपियर नहीं होगा। सॉडस्ट की बात करें तो बेटा ये भी वाटर में कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं होगा। आपको ये टेबल बनानी है और अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर और डिजॉल्व इन वाटर। अब ये क्या कह रहा है कि आप देखेंगे कुछ आपके सब्सटेंस कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गए वाटर में। कौन कौन से सब्सटेंस है बेटा, वो सॉल्ट और शुगर। वी से दीज सब्सटेंस सॉल्यूबल इन वाटर, हम इन सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, वाटर सॉल्यूबल या फिर सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलने वाले। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन विद आफ्टर विद स्टीर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल इन वाटर। अब ये क्या कह रहा है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, ठीक है, जिनको हम क्या करने वाले हैं, वाटर में स्टीर करेंगे लेकिन उसके बाद भी वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होंगे, इन्हें हम इनसॉल्यूबल इन वाटर में, पानी में न घुलने वाले सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज। अब ये क्या कह रहा है कि जो वाटर है हमारी बॉडी में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में, क्योंकि ये क्या करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं लार्ज नंबर्स के, उनको बॉडी में हमारे डिजॉल्व कर लेता है। डू लिक्विड ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। अब ये पूछ रहा है क्या लिक्विड भी वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं, तो इस टॉपिक के बारे में कि क्या लिक्विड वाटर में डिजॉल्वेबल है या नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप बच्चा आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी फर्दर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल।